गोपाल मंडल को कहना चाहेंगे कि डायपर एक्सेप्ट कीजिए या रेजिग्नेशन दीजिए। इंसान के नाम पर जानवरों को पटना के चिड़ियाखाना में रहना चाहिए। जेडीयू से विधायक गोपाल मंडल की असली जगह चिड़ियाघर में है, न कि इंसानों के बीच में है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। इसके साथ ही उन्हें एक महीने का डायपर भी दिया गया है। ये किसी और ने नहीं बल्कि आरजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष कुमार अपने पूरे बयान में आपको दिखाते हैं। एक महीने का कोटा भेज रहे हैं, एक महीना से पहले दोबारा फिर कोटा भेज देंगे, फिर से डायपर भेज देंगे, और ये डायपर तब तक भेजते रहेंगे जब तक इनका झाड़ा वाली समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी। गोपाल मंडल को कहना चाहेंगे कि डायपर एक्सेप्ट कीजिए या रेजिग्नेशन दीजिए। आपके जैसे इंसान के नाम पर जानवरों विधानसभा में रहने की कोई हैसियत नहीं है, आपको पटना के चिड़ियाखाना में रहना चाहिए। आपने सुना आशुतोष कुमार को, उन्होंने सीधे तौर पर किया है कि ये जो हरकत हुई है गोपाल मंडल की तरफ से, ये वाकई बिहार को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। गोपाल मंडल अक्सर ही ऐसा करते हैं जिससे कि बिहार की छवि जो है पूरे देश में बदनाम होती है, इसीलिए वो उन्हें एक महीने तक के लिए डायपर मुहैया करा रहे हैं ताकि आगे से वो ऐसी करतूत ना करे। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू से विधायक है गोपाल मंडल, उनकी अर्धनग्न वाली एक तस्वीर वायरल हुई थी जो कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस से वायरल हुई थी। एक यात्री थे ट्रेन पर बैठे प्रहलाद ने, इन्होंने भी दिल्ली में एफआईआर इनके नाम पर दर्ज करवाई थी कि इन्होंने गाली गलौज की है, छीना झपटी की है और ऐसे अर्धनग्न होकर ट्रेन में घूम रहे थे। ट्रेन में महिलाएं भी थी, उनके अपने आचरण को सुधारना चाहिए था। आपको बता दें कि इस मामले ने बिहार की सियासत में गजब का तूल पकड़ा। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया क्योंकि वो विधायक गोपाल मंडल जेडीयू कोटे से है। विपक्ष ने सरकार को खूब घेराव किया और कहा कि सरकार के एक जनप्रतिनिधि के तरफ से ऐसी हरकत की जाना बहुत ही शर्मसार थी। अब आरजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उन्हें डायपर तक दे दिया है। पटना से नई दिल्ली जाने के क्रम में तेजस राजधानी एक्सप्रेस पर बिहार के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अर्धनग्न दिखे थे। वे भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। ट्रेन के अर्धनग्न देखे जाने में के बाद उनका काफी विरोध हुआ, जमकर आलोचनाएं की गई, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, जिसके बाद विधायक मंडल ने सफाई दी कि उनका पेट खराब था। हालांकि विपक्ष जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी दिखाई है। तो अब देखना दिलचस्प होता है कि उनके आरजेजेपी पार्टी की तरफ से ये जो डायपर दिया गया है, इसके बाद गोपाल मंडल की अब क्या प्रतिक्रिया आती है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।